हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक. नमस्कार, आदाब. मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुर था. आई एम 63 इयर्स ओल्ड एंड टुडे आई हैव टू यंग पर्सन्स विथ मी हियर इन द स्टूडियो. वन ऑफ देम कुड बी ओल्ड इनफ टू बी माय सन एंड वन पर्सन हु कॉल्स हिमसेल्फ अ यूथ लीडर. ही इज ओनली 10 years younger than the president of the Indian National Congress, Rahul Gandhi. Let me welcome, and I'm very happy to introduce Jignesh Mevani, member of the Legislative Assembly of Gujarat from Vadgaon. Vadgaon. I got that pronunciation right? Yeah, Vadgaon. Vadgaon, okay. Independent candidate, supported by Congress and Aam Aadmi Party, elected in December 2017. And with us here is N. Sai Balaji. Jignesh is 38, you are 26. You are the current president of the Jawaharlal Nehru University Students Union, right? Yes. Okay. You are a PhD student over there, and you represent the left groups. All India Students Association, which is affiliated to the Communist Party of India, Marxist-Leninist, the Students Federation of India, which is affiliated to the CPIM, the DSF, the Democratic Students for Federation, oh my God, I forget, and the Communist Party of India affiliated AISF, or the All India Students Federation. I'm going to ask both of you two separate sets of questions, and then we're going to discuss the role of the youth in today's politics. Jignesh bhai mera, आपने अंग्रेजी पढ़ा, फिर आपने पत्रकार बनने के लिए, आप तो अभियान पत्रिका में भी काम किया, फिर आप बैचलर ऑफ लॉ भी पढ़ा, ठीक, एंड सडनली यू फाइंड योर सेल्फ इन द मीडिया अटेंशन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. क्या जी, पहला जो सबसे कठिन सवाल मैं पहले करूँ आपको, आप लोग कहते हैं कि आप कुछ मुसलमान आतंकवादी से मदद लिया, क्या है? आपका एक तस्वीर खींचा, आपके पास किसी ने चेक दे रहे थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिसका एक पॉलिटिकल विंग है, राजनीतिक विंग है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं ये ISI मुस्लिम आतंकवाद को मदद करते हैं, और टाइम्स नाउ ने एक अबरार अहमद ने कहा ये जिग्नेश मेवानी इनसे पैसा लिया, और आप चुनाव जीतने के बाद बोला हाँ 51,000 का एक डोनेशन लिया, और आपने सरकार को बोला आप बैन कीजिए PFI को. ये विवाद कैसे आया, आप बताइए, व्हाट आर द फैक्ट्स, वास्तव क्या है, फैक्ट्स क्या है? PFI क्या है हमको मालूम नहीं है. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हाँ, हमको मालूम नहीं है. SDPI नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने पर्दे के पीछे नहीं, ऑन कैमरा 51,000 का हमको चेक दिया, 51,000 करोड़ का नहीं, 5,100 करोड़ का नहीं, 5,110 करोड़ का भी नहीं, 51 करोड़ का भी नहीं, 51 लाख का भी नहीं, 51,000 का चेक दिया एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ने. और हमारे खिलाफ एलिगेशन किसने लगाया? अमित अनिल चंद्र शाह ने. अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, जिनके चिरंजीवी की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ गई सिर्फ 3 साल में, वो हमको कह रहे हैं कि जिहादियों से फंड लिया 51,000. तो मोदी जी के वीडियो देखकर जिनको मनोरंजन नहीं मिल रहा है वो अमित शाह का ये वीडियो क्लिप देखते. अच्छा, ये टाइम्स नाउ ने प्रचार किया, और फिर आपने CNN उसमें ये हुआ होगा उस दिन टाइम्स नाउ अर्नब का शो देखकर सो गए होंगे. यही होगा. तो ये आप समझ लीजिए एकदम बेबुनियाद है, आपका मानहानि करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मतलब क्योंकि वो इतना सिली है कि हमको रिएक्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा, ठीक है, चल टाइम मत खराब करो. नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुणे पुलिस. हाँ, आपने उमर खलीद के साथ एल्गार परिषद का जो एक सम्मेलन हुआ था, आपने भाषण दिया जैसा कि जस्टिस PB साबंत के साथ, जस्टिस कुल से पाटिल के साथ, कौन है? एपेक्स कोर्ट के रिटायर्ड जजे जस्टिस PB साबंत, बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजे जस्टिस कुल से पाटिल, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ, राधिका वेमुला के साथ, सोनी सोरी के साथ, फिर उसमें उमर खालिद भी थे, फिर जिग्नेश मेवानी भी थे.
अच्छा आप वो आरोप का मतलब क्या है आपका? उमर खालिद का जो ब्रांडिंग किया है एक सेट वेल डिजाइंड वेल डिफाइंड प्रोपेगेंडा के चलते, सिर्फ उमर और जिग्नेश, उमर जिग्नेश ये दिखाना चाहते, जबकि उस मंच पर जस्टिस पी बी साबन साहब थे, कौलसे पाटिल थे, सोनी सोरी थी, राधिका अम्मा थी, प्रकाश अम्बेडकर जी थी और हम भी थे। और मेरे जीवन का सबसे प्रोग्रेसिव कंटेंट वाला स्पीच, और उसके चलते एफआईआर किया है। आप एकदम प्रगतिशील जो स्पीच देते हैं, तो ये एफआईआर में क्या लिखा है? हाँ, तो कि आप हिंदू मुसलमान के बीच जिग्नेश मेवानी की यलगार परिषद की स्पीच के चलते, यलगार परिषद का ठिकाना लगे, भीमा कोरेगांव में वायलेंस हो गया। अरे भाई भीमा कोरेगांव कहाँ आया, हमने तो देखा भी नहीं। वारे वाह, आप अर्बन नक्सल नहीं है? नहीं। अरे अरे अरे, आप देशद्रोही नहीं है? ये तो जो अर्बन बनू है ना मोदी जी, अच्छा, उनके पाले हुए जो अर्बन इडियट्स है उनका कौन किया गया ये टर्म है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम अभी एन साई बालाजी के पास पहुंच जाते हैं। आप जब चुनाव जीते हैं जेएनयू में, सारे वामदल इकट्ठा हो गया, मगर लोग कहते हैं आज वामदल भारतवर्ष में इतने कमजोर है, क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा समय? लेफ्ट हैज बिकम इट्स बिगेस्ट एनिमी। वो खुद एक सीपीआई सीपीएम के साथ, सीपीआई एमएल सीपीएम के साथ आप लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, तो जेएनयू में हाउ कम ऑल ऑफ यू ऑल केम टुगेदर, लेफ्ट यूनिटी बना? क्योंकि आप लोग बीजेपी और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप सोच रहे थे अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे वो जीत जाएगा, तो इन अ सेंस इट वॉज द कंपल्शंस ऑफ प्रिवेंटिंग द बीजेपी दैट ब्रॉट यू टुगेदर। आई वुड नॉट से दैट, क्योंकि कंपल्शन था तो पहले भी इकट्ठा हो सकते थे, कंपल्शन नहीं था बल्कि लोगों के प्रति प्यार था, मैं ये कहूँगा। क्योंकि 2016 में जब इन लोगों ने फरवरी के महीने में जो एक फेक केस डॉक्टर्ड वीडियोस के चलते हुए एक सेडिशन केस लगाया, तब साफ तौर पे पता चल गया कि एक फांसीवाद है, क्योंकि फांसीवाद का तरीका जो है हमने किताबों में पढ़ा, खुद हमने उस दिन। ये तानाशाही से भी ज्यादा है, मोर देन डिक्टेटरशिप, फैसिज्म। या डिक्टेटरशिप में आपका एक बड़ा एक खराब इंसान बैठा हुआ है जो चाहता है कि पावर मेरे पास रहे, बट मोदी जी एक खराब इंसान नहीं है, वो सांस्थानिक हिंसा को प्रोपगेट। अगर हम कट एंड पेस्ट कर देते हैं, हम कहेंगे एन साई बालाजी प्रेसिडेंट जेएनयू सेइंग मोदी जी खराब इंसान नहीं है। मोदी जी खराब इंसान इसलिए नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ वो जो संस्थानिक हेट्रिड में हिस्सा है ना वो पूरा खराब है, तो वो अकेले उसको खराब बोल के मुझे क्या मिलेगा? आरएसएस का जो पूरा हेट है मोदी उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं मोदी को खराब बोल दूं और जिन्होंने उसको ट्रेन किया कि तुम नफरत फैलाओ झूठ फैलो, मैं हमेशा एक बात बोला हूं, मोदी सरकार का तीन राज है, तीन चीज पॉलिसी, झूठ लूट और नफरत। झूठ बोलेगा उनका मानहानि तो नहीं कर रहे? अरे करने दो ना, 100 करोड़ मेरे पास कुछ नहीं बचा है, 100 रुपया है वो भी ले ले, उनका मान ही नहीं है, हानि कहाँ से? हानि से का अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, हाँ, इनका मौलिक अधिकार है संविधान में लिखा हुआ है। ये जो अटैक हुआ साफ तौर पे हम लोगों को पता चल गया, और आप खुद इस बात को बोले हैं कि ऐसा का फॉर्मेशन ही एसएफआई के खिलाफ रहा है। ऐसा 2016 में देश में पहली बार हुआ होगा, ऐसा एसएफआई एक साथ आए हैं किसी के डर के चलते हुए नहीं, बल्कि इस देश का संविधान और जो लोकतांत्रिक चीजें हैं कि यार सोशल जस्टिस को बचाया जाए। अभी खुद हाल फिलहाल में तो दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ 31st को, जहाँ पे दिखा कि 13 पॉइंट रोस्टर के चलते हुए आरक्षण खत्म कर दिया टीचर्स अपॉइंटमेंट में, और वहाँ पे सारे पॉलिटिकल दल के लोग एक बैनर के अंडर आए। यही चीज़ हमने 2016 में किया था और वहाँ से ये यूनिटी बढ़ती गई क्योंकि जनता एक हो रही थी। साई बालाजी, यू आर ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद, हाँ, वहाँ पे आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया, फिर उस नहीं आपने नोएडा में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपने पत्रकारिता वहाँ पे पढ़ा, आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू में 4 साल पढ़ रहे हैं, यू आर अबाउट टू बिकम 27, जैसे शैला कन्हैया के खिलाफ, तो आप तो सरकार के पैसे से आराम से रह रहे हैं जेएनयू में, सरकार आपको सब्सिडी दे रहे हैं आपका शिक्षा के लिए, आपका कम कीमत में खाना मिल रहा है, रहने का जगह मिल रहा है, तो आप सरकार को इतने गाली दे रहे हैं, आप तो एकदम बिल्कुल देशद्रोही हैं साई बालाजी। दरअसल मैं अभी उबर में आया था यहाँ पे, जब मेरी जो 144 रुपीज़ कटी उसमें टैक्स कटी थी, दरअसल वो मेरा पैसा है जो मैं सरकार को देता हूँ, जो प्रधानमंत्री मोदी पैसा लेता है ना तंके के रूप में, वो आप मैं और इस देश को जो रिक्शा खींचता है ना साबुन खरीदता है उसका टैक्स है। दरअसल जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं
वो हमारे पैसे से चलते हैं। मैं उसको पैसा दे रहा हूँ ताकि वो मुझे वापस दे, बट इस देश में वो चल नहीं रहा है। पैसा ले रहा है हमसे, उल्टा दे किसको रहा है? अदानी को, अंबानी को। ये बात आप बोल दे, ये टैक्स पेयर वाला आर्ग्यूमेंट निकलेगा। इन्हीं का राज्य का है दोनों। अरे हम आएंगे आपके पास, शर्मिंदा है इसके। 3.5 लाख करोड़ इतना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला पीस हमने दिल्ली भेज दिया, उसके लिए हम शर्मिंदा है। 3.5 लाख करोड़ रुपया लोन एनपीएस माफ किया है सरकार ने कॉर्पोरेट्स का, ये टैक्स पेयर का। जब किसान का कर्ज माफी की बात हो रही है, किसान का छोड़ दीजिए, इस देश में 26,000 नौजवान आत्महत्या किया पिछले 3 साल में, एजुकेशन लोन उनके सर पे है, कोटा में हर दिन फांसी लग रही है स्टूडेंट की। अच्छा लोन एक मिनट, ये आपका खिलाफ बापसा ग्रुप क्यों वाम दलों के खिलाफ है? मेरे पिताजी ओबीसी हैं, मेरी मदर अपर कास्ट है, उनकी शादी हुई थी लव मैरिज। ऐसे दौर में जब एक तरफ बाबरी गिर रही थी, दूसरे तरफ इस देश में मंडल की राजनीति चल रही थी कि मंडल कमीशन को लागू करने के लिए लड़ाई चल रही थी और एंटी मंडल राजनीति चल रहा था। उन्होंने उस टाइम पे हम पैदा हुए हैं, गलती था कि हमारा कोई जात नहीं है। अब बता दीजिए हमारा कोई क्या जात है। इस बार चुनाव में जिन लोगों का नाम आपने जिक्र किया है, वही सोशल जस्टिस के ग्रुप अपने आप को जो कहते हैं, उन्होंने बोला हम इम्प्योर ओबीसी हैं। हमने बोला कैसे आप बता रहे, मेरा खून टेस्ट किया था क्या आपने कि उसमें 60% निकला हम ओबीसी है या 40% निकला कि हम अपर कास्ट है? अब इस बात को कैसे बोल पा रहे? बोल रहे हैं कि नहीं आपने इंटरकास्ट मैरिज किया। हमने बोला भाई ये बाबा साहब का एजेंडा है। हाँ ये क्या है? और दूसरी बात, जो दलित है, जो ओबीसी है, जैसे चिंटू है, पुरानी जनरल सेक्रेटरी, रामा है, उन सबको तो चमचे बोलते हैं, उनको तो स्लेव बोलते हैं। मैं जिग्नेश से यही सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा जवाब दो और फिर उसके बाद इसमें एक लाइन बस ऐड करना चाहता हूँ। करो दरअसल उनका अटैक आरएसएस पे नहीं है ज़्यादातर, ये थोड़ा हम लोग इस बात को बार बार बोले हैं, इस बार जनता इस बात को समझा है, उनका अटैक लेफ्ट पे है। अगर कोई अपर कास्ट होगा, अगर जो दलित लोग हैं, जो दलित संगठन है, अगर वाम दल के साथ इकट्ठा नहीं होंगे तो आप मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का जो विचारधारा है उनके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? इस बात को तो बोल बोल के हम थक गए हैं, उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो दलित है लेफ्ट में उनको चमचे बोलते हैं, जो दलित नहीं है बोलते हैं देखो सवर्ण है। चलो ए जिग्नेश बोलो, तुम कुछ कहने चाह रहे थे। क्यों मैं भी सवाल करूं? एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी अंबेडकराइट्स और वामपंथ, इनके बीच का जो झगड़ा है, जो इश्यू है, वो अनफॉर्चुनेटली रिजोल्व नहीं हुआ। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन बहुत ऑब्जेक्टिवली देखे तो जनता है जो केमिकल की फैक्ट्री के मजदूर है, जो ईंटों के भट्ठों के मजदूर है, जो निर्माण मजदूर है, जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता है, इनको ये ब्लू और रेड वाले झगड़े से कोई लेना देना नहीं, उनको तो रोटी चाहिए। ये जो झगड़ा जिनका पेट भरा हुआ है, जिनको अपने अस्तित्व का कोई सवाल परेशान नहीं करता है, उन मिडिल क्लास के एकेडमिशियन इंटेलेक्चुअल्स नेताओं का झगड़ा है, ये जनता का झगड़ा नहीं। ठीक है, दलील के तौर पे नहीं, ये जो दलील पेश किया जाता है ठीक है कि वामपंथ ने जाति का सवाल कभी नहीं उठाया, ये 60s के 70s के 80s के कौन से वामपंथ की बात हो रही है? मैं एक उदाहरण मुझे दीजिए। ठीक है, ये 70s के वामपंथ की बात हो रही है, 2019 के ये जिस इनका स्टूडेंट विंग जिस CPIM लिबरेशन के साथ जुड़ा है, हमको मालूम है उनके इनकी पार्टी के सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों ने लैंडलेस दलितों को उनकी मालिकी की जमीन का पट्टा मिले उसके लिए लाठी नहीं खाया, गोली खाया है। अच्छा सुनो ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो आपको मगर एक चीज मानना पड़ेगा, 2014 का आम चुनाव के बाद सिर्फ कांग्रेस नहीं, वाम दल सबसे कमजोर हो गए थे। कारण बहुत है। एक कारण हो सकता है कि जो वाम दल है, जो कास्ट जो फैक्टर है, जो मुद्दा है, जितना महत्वपूर्ण और जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए नहीं दिया। मैं नहीं मानता हूं। नहीं मानते? अच्छा नहीं मानता। अच्छा और आप देखिए पिछले 10 साल में ज्यादा से ज्यादा जो भारत वर्ष में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में, वहां पे जो हमको रिस्पोंड करना चाहिए, हमको रिस्पोंड, मैं भी रिस्पोंड करना चाहता हूं। वामपंथ ने जाति के सवाल को जिस तरह से समझकर आर्टिकुलेट करना चाहिए था वो सपोज नहीं किया है।
तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वामपंथ ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुजन मूवमेंट भी ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, ना ढंग से समझ पाया। आज दलित मूवमेंट का एक डिसेंट क्लास परस्पेक्टिव है क्या? हमको ये मान के चलिए ट्रेड यूनियन चलाते हैं, ये लाल सलाम बोलते हैं, लाल रंग के झंडे के साथ ट्रेड यूनियन चलाते हैं, दलित के तौर पे आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं, आपको इनके साथ नहीं जुड़ना है, लेकिन आपको अपना खुद का ट्रेड यूनियन लॉन्च करने से कोई रोकता है? अच्छा ठीक, करिए ना, क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका वो क्लास पर्सपेक्टिव नहीं बना। अच्छा तो मेरा दो इसका एक चीज है, एक तो चुनाव को और दूसरा आप जो नतीजे निकल रहे हैं उसको दो, आई मीन दोनों को पढ़ने से पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा। इस देश का चुनाव पैसे से चलता है, इस देश का चुनाव बिग मीडिया से चलता है। और किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है आज? जिसके जानते हम भी जानते हैं, समझे? आप निर्वाचन आयोग का भी आंकड़ा देखिए, एग्जैक्टली सबसे ज्यादा डोनेशन आ रहे भारतीय जनता पार्टी के पास। जब हम लोग ये बात कह रहे हैं कि चुनाव में अच्छा नहीं किया तो वामपंथ खत्म हो गया, अगर ये नतीजा अगर निकले तो पिछले 4 साल में किसानों के लिए लाल झंडा के अंडर किसान भी निकला, मजदूर भी निकला, छात्र भी निकला, और इस देश के सबसे कमजोर लोग सफाई कर्मचारी जिसके लिए दिल्ली से लेके देश भर में जिनकी हत्या हो रही है, उनके उनके न्याय के लिए जो लाल झंडा, मैं कोई लाल झंडा को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लड़ाई लड़ी गई, वो ट्रांसलेट होने के लिए पैसा नहीं है। साई बालाजी एक सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं भी गुजरात में बैठे बैठे कभी ये JNU के कैंपस में जो नारा लगता है ना वो देखता हूँ, सुनता हूँ कि लाल भगवा एक है सारे कॉमरेड फेंके। अब वामपंथ की तो 150 पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनमें से किसको कहते हैं आप? पूरे का पूरा एंटायर वामपंथ ऐसा है? यदि ऐसा है सपोज दलित के तौर पे, और यदि आपका नारा सही है, तो जिन दलित पॉलिटिकल पार्टियों ने आपका जो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये शत्रु है हमारा RSS, उनके गर्भ में से निकली भाजपा के साथ गठबंधन किया, तब ये नारा क्यों नहीं लगाया कि नीला भगवा एक है सारे बहुजन फेंक है? तब लगाना था ना ये नारा, तो ये होती ऑनेस्टी। यदि ये ऑनेस्टी होती तब हम कहते हमारे जैसे लोग, लेकिन वामपंथ की भी कुछ गलतियां है, बहुजन मूवमेंट की कुछ गलती है, ठीक है। और मगर एक चीज साई वाला जी, तुम मेरा बात मानने के लिए तैयार हो कि नहीं, अगर आप चुनाव का आंकड़ा गड़ा देखोगे पिछले कुछ सालों से उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, अलग अलग जगह में एक जो आदिवासी जितने हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास और RSS के साथ गए हैं, वनवासी कल्याण। इसका मैं वजह बताऊं, हाँ, वामपंथ के पास पॉलिटिक्स का भाषा खत्म हो गया है। मैं CPM में लिबरेशन के स्टूडेंट विंग से आता हूँ, ऐसा बिहार में हम लोगों की पार्टी है, अगर वहाँ छोड़ा जाए तो बाकी जगह बाकी पार्टियाँ रही। मैं जो भाषा और ग्रामर की बात कर रहा हूँ, हम लोग लोगों की ज़रूरत नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक क्रिटिक के रूप में लेना चाहिए और लेके इसे सीखना चाहिए कि मोदी अगर ये बोल रहा है कि गरीबी हटाएंगे, आपको 15 लाख रुपये देंगे, जो गरीब जिंदगी भर अपने पूरे ज़िंदगी में मर रहा है उसको उम्मीद दिखा, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कमी रह गई है, जो पूरा सिस्टम है, जो भाषा है, जो जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करते कैपिटलिज्म, वो आम जनता को हम समझा नहीं पा रहे। वो समझाने का जो राजनीति होनी चाहिए, जो भाषा होनी चाहिए कम्युनिकेशन का, जब तक उसमें सुधार नहीं लाया जाएगा, जिसको मैं आम रिक्शा वाले को नहीं समझा पाऊँगा कि लूट हो रही इस देश में, कि सरकार कोई भी आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए, तब भी आपकी लूट नहीं रुकी, क्योंकि वो सांस्थानिक तरीके से चल रही है। बार बार मोदी जी कह रहे, पूरा जो चुनाव है एक तरह से व्यक्ति का, दो व्यक्ति का लड़ाई बन गया। 2014 में जैसा मोदी बनाम राहुल, वो तो अपने कंफर्ट के लिए कहते हैं। इस बार क्या होगा? अमित शाह कह रहे कि इन लोग सब इकट्ठा होके मोदी जी को हटाने चाह रहे, ये 7 दिन में 7 लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यही अमित शाह का कहना है। तो पूरा भारतवर्ष का जो राजनीति है, मुद्दा से गरीबी बोलो, बेरोजगारी कहो, किसान जो संकट ग्रामीण इलाका में जो संकट, ये भूल गया लोग। और लोग कह रहे कि हाँ भाई ये मोदी बनाम वी द पीपल। एक चीज सुनो, हमारा ये कहना है, ये तो मोदी और अमित शाह का ये कहना है ना कि ये मोदी बनाम एक्स का या मोदी बनाम वाई का फाइट है। तो खुद कह रहे हैं, चार हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये वो दो मनुष्य है जो स्टेट के सारे ऑर्गन्स को उस तरह से खत्म कर रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया।
इंदिरा गांधी, संजय गांधी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपातकालीन समय में, हाँ, तो आपातकाल के वक्त इमरजेंसी था, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, प्लस फासिज्म, प्लस मोदी एंड अमित। और दूसरा बात ये है कि प्लस सारे इंस्टीट्यूट को खत्म करना। और दूसरा बात है कि मोदी के खिलाफ लड़ कौन रहा है? मोदी के खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है, युवा, मजदूर और किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, जो उसके हक के खिलाफ है उसके खिलाफ चुनाव हो रहा है। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार। एक चीज सुनो, हमारा तो ये कहना है, ये कहना है आपके माध्यम से कि आदरणीय नरेंद्र भाई, आरएसएस, भाजपा और एबीवीपी के अंदर जो बेरोजगार हुआ युवा है उसके उनको दे दो ना 2 करोड़, कम से कम दे दो ना, उसके लिए भी नहीं दे रहा है। जिनको सुबह 6:30 बजे चड्डी पहनाकर सूर्य नमस्कार करवाते हो, अरे भाई उनको दे दो ना 2 करोड़। प्रणय जी, मैं एक बात बोलूं, अभी 13 पॉइंट रोस्टर जो आया उससे दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म हो गया टीचर्स अपॉइंटमेंट में। मैं बोल रहा हूं जो आरएसएस में ओबीसी है, जो दलित है, जो आदिवासी, उनके लिए तो नौकरी तुम नहीं दे पा रहे। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस बार जो आने वाले आम चुनाव हैं, जो ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 महीना में अभी चुनाव होने वाले हैं, मुद्दा क्या बनेगा? अब एक मिनट युवा, एक मिनट आ रहा हूँ। उपा लोग कह रहे हैं कि ये सचमुच क्या मोदी बना, मोदी बन सकता है? 2013-14 का मोदी, जो नरेंद्र मोदी कहा था अच्छे दिन लाएंगे, जो जो कहा कि हाँ हम 15 लाख ले आएंगे, काला धन ले आएंगे, 1-2 करोड़ रोजगार बन जाएगा, वो मोदी या आज का मोदी? ये वो चुनाव होगा युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, यंग इंडिया के साथ जो धोखा हुआ है, उसका बदला लिया जाएगा और अपने हक के लिए लड़ा जाएगा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, बदला भी बोल रहा हूँ, अपने हक के लिए भी बदला, इसीलिए ताकि कोई भी सरकार अब जो आए धोखा ना दिया जाए। ओके, बोला जा रहा है 2 करोड़ रोजगार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा है, पिछले 1 साल में 1 करोड़ खत्म हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गया, कह रहे हैं 6% है आज के टाइम पे। और जो लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का रिपोर्ट तैयार किया वो भी अभी चलेगा, और वो छोड़ दीजिए, खाली 15 लाख नौकरियां कम हुई है सेंटर, जो सेंटर के पब्लिक सेक्टर सरकार मानने के लिए तैयार, अरे सरकार का डाटा खुद है, बजट का डाटा है, ये सीएमआई का डाटा है। नहीं नहीं, वो तो सीएमआई छोड़ दीजिए, मैं सरकार का बजट में जो डाटा दिया जाता है वो बता रहा हूं। डाटा देता हूं, पिछले महीने गुजरात में एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ, पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती का, कितने पोस्ट थे, 8,700 के करीब, अप्लाई कितने लोगों ने किया, 9 लाख लोगों ने, कहां पर, जिस गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात के तौर पे, एक मॉडल स्टेट के तौर पे पेश किया। मैं कह रहा हूं कि भारत वर्ष इतिहास में पहला बार आप देख रहे हैं कि 25-26 साल का उम्र जो है, आधा से ज्यादा भारत वर्ष का जो लोक संख्या है 30-35 से कम, करीब 60 करोड़ से ज्यादा है, हाँ नहीं उससे ज्यादा, अगर 130 करोड़ भारतवर्ष का जो पॉपुलेशन है इसमें 65 करोड़ समझ लीजिए 25-26 से कम है, कुछ साल बाद हम ज्यादा लोग, चीन से भी हमारा लोक संख्या बढ़ जाएगा। पूरा खत्म कर दीजिए, 2014 में पहला बार जो वोटर टर्नआउट था 66% से ज्यादा बड़ा, मोर देन 2 out of 3 पीपल हु वर एलिजिबल टू वोट दे वोटेड, और इसमें बहुत सारे युवा थे, कम से कम लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 8 करोड़, कोई कहते हैं 10 करोड़, तो इस बार भी ये नए लोग आएंगे, नए युवाओं आएंगे वोट कर ले, लेकिन एक्साइटेड टू वोट। अच्छा, पिछली बार प्रोपेगेंडा के चलते जीडीपी ग्रोथ डेवलपमेंट स्मार्ट सिटीज दीज, इस बार बेरोजगारी है, गुजरात मॉडल, इस बार डिप्रेशन है, करके एक ऐसा मैसेज देने की मोदी जी ने कोशिश की थी कि मैं आऊंगा तो डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं, पीछे दिन हो गए हैं, कुछ नहीं, हम 50 साल पीछे जा चुके हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं युवाओं का, पिछले 3 साल में 26,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है, उनके ऊपर स्टूडेंट लोन का बोझ है, इसीलिए जो नफरत युवाओं के खिलाफ, युवाओं को यूज करके फैला जा रहा है, नफरत देखिए, लोग दुखी हो सकते हैं, दे कुड बी डिसकंटेंटेड, अनहैप्पी, मगर सचमुच गुस्से हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि और तो कोई नहीं है, और कोई प्रधानमंत्री बने नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 7 फरवरी को इस देश में उस लाल किले से जो मोदी ने जुमला दिया है, वहां से 70 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, जो एबीपी को छोड़ के, स्टूडेंट यूनियन, छात्र ऑर्गेनाइजेशन, युवा ऑर्गेनाइजेशन, जो रोजगार के लिए लड़ रहे थे, वो सब लोग मिलकर यंग इंडिया अधिकार मार्च कर रहे हैं। उन लोगों का क्या मांग है, केंद्र सरकार में 24 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पद खाली पड़े हो, तुरंत भरो। कल को मोदी की सरकार चली गई, हमारा ये कहना, ये जो 2 करोड़ रोजगार आप नहीं दे पाए, चलिए समझते, ये 24 लाख नौकरियां जो सैंक्शन करके आपने रखी है,
उसमें क्यों अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है? और ये तो खुद गवर्नमेंट का डाटा है, ये समझ नहीं आ रहा है। और हमारे ये कहना है कल को और कोई सरकार आई तो उसको भी हम इस मुद्दे पर घेरेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने साफ तौर पे एक चीज बोला है, या रोजगार दो या 18,000 रुपए हमको बेरोजगारी भत्ता दो। रोजगार ना लेना, ना दे पाना तुम्हारा काम है, आई मीन रोजगार देना तुम्हारा काम है। अगर अच्छा रोजगार के बाद दो चीज में जल्दी में, अभी समय में बहुत कम है, एक तो है जो MIG की बात हो रहे, मिनिमम इनकम गारंटी, ये कांग्रेस ने किया, ठीक है। मोदी जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि हम गरीब के लिए ये कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य कल्याण के लिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए ये करेंगे, हम बेरोजगार युवाओं के लिए ये देंगे, बहुत कुछ कहा। मगर ये क्या लग रहे लोगों का विश्वास कर रहे हैं? हमारे जो बड़े बड़े राजनेता है चुनाव का पहले ये वादा करते हैं, देखिए 5-4.5 साल पहले वही हमने सुना था, देखिए 5 साल पहले वही हमें वादा निभाना पड़ेगा। 9 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इस मुल्क की 50% पॉपुलेशन के पास जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा है, ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट है। 1% लोगों के पास इस मुल्क की 73% प्रॉपर्टी चली गई है, तो बाकी की जनता जो वीद पीपल है 125-125 करोड़ लोगों के पास जितना भी संपत्ति आए बहुत बेहतर है, वो कोई भी सरकार दे। और यदि सरकार ये अनाउंसमेंट करने के बाद इस फ्रंट पे डिलीवर नहीं करेगी तो आज मोदी किसी के सामने जो गुस्सा है उनके सामने भी होगा। और दूसरी बात, जो 18,000 रुपए हम मांग कर रहे हैं ये तो बेसिक मिनिमम हम मांग कर रहे हैं ना, ये तो ट्रेड यूनियन का पुराना समय का लंबी लड़ाई है, मिनिमम वेज हमको दीजिए, क्योंकि नौकरी देना आपका अधिकार है, क्योंकि हम आपको टैक्स इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप काम करें, लूटे नहीं हम लोगों को। हम मई 2019 में हमें मालूम पड़ेगा आप जो कह रहे, आप जो कह रहे ये सच होगा कि नहीं, सच समय बताएंगे, सत्यमय जयते, ये सच है। थैंक यू, मैं भी वोट करूंगा, मोदी को नहीं करूंगा, हम भी वोट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय बताएंगे हमारे जो मित्र है आज न्यूज क्लिक का स्टूडियो में, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, देश का भविष्य है। वेदर व्हाट दे आर सेइंग विल टर्न आउट टू बी करेक्ट और नॉट, ओनली टाइम विल टेल। थैंक यू वेरी मच for being with us on this program. Keep watching NewsClick. Namaskar.